नमस्कार, VFN में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं अपना नया कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है कोड ऑफ कर्मा, आपका और आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। चलिए जानते हैं अब गुरुजी से कि आपका इस हफ्ते का भविष्य क्या रहेगा। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज जानेंगे आप मार्च का राशिफल दूसरे सप्ताह का, यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च तक का। पहली राशि मेष राशि। यदि सरकार से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से यदि लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो पूरी कोशिश कीजिएगा। आपका जो व्यावसायिक जीवन है उसमें बहुत अधिक लाभ होने के योग हैं, इसलिए वह सारे प्रयास कीजिएगा जिसमें लाभ होता हो। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, उस पर खर्च करने में कोई कंजूसी न कीजिएगा। धन संबंधी मामलों पर ध्यान रखना है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। लाभ हानि में थोड़ा परिवर्तन और परेशानी आ सकती है, लेकिन सोच समझ के करेंगे तो सब ठीक रहेगा। वृष राशि। जो ये सप्ताह है इसमें काफ़ी विवादास्पद साबित हो सकता है, इसलिए विवाद से बचें। जो बड़े लोग हैं उनकी उपेक्षा बिल्कुल मत करें, उनका ज़रूर सलाह माने, वरना जो दुश्मन लोग हैं वो खेल बिगाड़ने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो बड़ों के ज्ञान का या उनके तजुर्बे का ज़रूर आप लाभ लें। जहाँ तक संभव हो किताबों की जो कंपनी है, जो किताबें जो छापते हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लाभ होने के योग उनसे बने हुए हैं। मिथुन राशि। छात्रों के लिए तो ये बहुत ही दिन और पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा है, और जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो यदि इच्छित स्थान में प्रवेश लेना चाहेंगे तो ये सप्ताह उनके लिए विशेष प्रयासों का है। कृषि आदि बागवानी से कोई अतिरिक्त आय प्राप्त कर पाएं, ऐसे भी योग हैं। आपका जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल में आप ज़रा सा ध्यान देंगे और ज़्यादा लाभ लेंगे, लापरवाही ज़्यादा नुकसान हो जाएगी। जो आपके साथ में काम करने वाले हैं उनका विश्वास प्राप्त करें, उनको भी विश्वास में लाएं। मानसिक तनाव से बचना होगा क्योंकि स्वास्थ्य इसी कारण से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। कर्क राशि। ये सप्ताह भाग दौड़ वाला हो सकता है और ऊर्जा से भरपूर तो रहना होगा, उत्साह भी आप में बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। व्यवसायिक स्थितियाँ यदि आप बढ़ चढ़ कर उत्साह रखेंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति में मोड़ ले पाएगा। आय के जो नए स्रोत हैं उन्हें विकसित करने का ये बहुत अच्छा समय है। नए नए संपर्क आप विकसित करिए, खोजिए कि कहाँ से आप संपर्क करें। यात्रा करनी पड़े करें, अच्छा रहेगा, और परिवार और जो अपने लोग हैं उनके साथ आनंद से समय बिताने का भी प्रयास करें। सिंह राशि। आपको नौकरी या किसी भी कामकाज से जुड़े हुए नए विकल्प मिल सकते हैं, जो भी आपका करियर है कुछ बिल्कुल नई सोच वाले मिल सकते हैं। उन्हें जो है सक्रिय योजना का अमलीजामा यदि पहनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वायदा इस हफ्ते जो निभाएं वो ही वायदा करें, वरना ना करें। ब्रेकअप से बचने के लिए एक दूसरे पर यकीन ना तोड़ें, वरना किसी मामले में ब्रेकअप होने के योग हैं, चाहे आपके आपसी प्रेम संबंध हो या कोई बिजनेस संबंध हो। नाक कान की बीमारी से बचें, उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह करा लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे भविष्य में ठीक रहे। कन्या राशि। भावनात्मक किसी भी फैसले का इस समय समय नहीं है। आप इमोशनल कोई भी डिसीजन ना लें, सब दिमाग से सोच समझ के निर्णय लें। दूसरी मनोदशा और जो आपका विल पावर है उसमें अनुभव कुछ गिरावट की कर सकते हैं, उससे मनोबल बढ़ाएं। प्राणायाम वगैरह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और दो दो घूंट करके पानी पीते रहें। जो साझेदारी के कार्य जो किसी से मिलकर साथ में काम करने बढ़ने के उसके योग ठीक ठाक हैं और खूब अच्छा आगे बढ़ें, जिससे आर्थिक दृष्टि भी आपकी ठीक रह पाएगी। तुला राशि। ये जो सप्ताह है इसमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाई देंगे, इसलिए थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे परिणाम सकारात्मक जब भी हो सकते हैं जब आर्थिक लाभ के लिए आपका खास तौर से जो दिन है वो शुरू से ही अच्छा रहे। सुबह अपनी हथेली देखकर आप उठें और अच्छा अच्छा सोच के उठें। बुजुर्गों का जरूर साथ लें, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है उस पर विशेष ध्यान दें,
उसे नज़रअंदाज ना करें, और जो परंपरागत जो खान पान है उसी को आप अपनाएं, फास्ट फूड वगैरह से इस सप्ताह बचें। वृश्चिक राशि, आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहे, आय में वृद्धि भी संभव है, और जो सामाजिक स्थिति जो है वो भी आपके सुधार की स्थिति बनी हुई है, संतुष्टि आपकी बढ़ेगी इस सप्ताह, दोस्तों के साथ संबंध भी आपके बेहतर होने के योग हैं, और अवसर आपके रास्ते में आएंगे। विवेकपूर्ण तरीके से यदि आप समय का उपयोग कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपको धनी और प्रसिद्ध बना सकता है यदि पूरे सप्ताह के लिए योजना बना ले तो। जीवन साथी का स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना है, और जो भी करियर संबंधी है उसमें जरा मेहनत और प्रभावशाली ढंग से लोगों से सहयोग लेने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना कि इन दिनों व्यावसायिक स्थल पर ज़्यादा चोरी होने के योग हैं, तो उस पर सावधान बरतने हैं, और लिखने का इस समय ज़्यादा प्रयास कीजिए, लेखन का माध्यम आपको बहुत बेहतर रहेगा ये सप्ताह। मकर राशि, आपकी कोई भी करियर के संबंध में सुधार बिल्कुल संभव है इस सप्ताह। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ी सी रह सकती है, उस पर ध्यान देना है। कार्यस्थल पर आपके विरोधी थोड़ा सक्रिय हो सकते हैं और प्रतिष्ठा बिगाड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, इसलिए उस ओर इस सप्ताह सावधान रहना है। और परिवार से तो सहायता मिलेगी आपको, और पुराने मित्रों से भी कोई मुलाकात हो सकती है, छोटी यात्राओं से भी अच्छा फल है। कुंभ राशि, मिले जुले परिणाम है सप्ताह आपके, और लेकिन आपके पक्ष में ही है ये सप्ताह, कोई विपरीत नहीं है, और बेकार के फालतू कामों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी सप्ताह, और निर्णयों पर उचित ध्यान दें जो अब तक पहले लिए हुए हैं। कहीं इन्वेस्ट करें तो एक्सपीरियंस्ड लोगों से ज़रूर परामर्श कर लें, जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं उसको स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, इस पर भी ध्यान दें तो उसका ख्याल करें। पारिवारिक जीवन ठीक है, स्वास्थ्य भी आपका इस सप्ताह सामान्य है। मीन राशि, आपकी सौभाग्यशाली जिसे कहते हैं बहुत बड़ा सौभाग्य जागेगा, ऐसी तो कोई अवधि इस सप्ताह नहीं है, लेकिन भाई बहनों से विवाद के कारण अस्थिरता जरूर है। प्रेम संबंध में भी तो मामूली थोड़ा सा सुधार और बिगाड़ संभव है, लेकिन आप जो बड़े लोग हैं उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनके आशीर्वाद से ही आपका ये सप्ताह ठीक हो सकता है, उससे लोकप्रियता भी बढ़ सकती है और लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि इस सप्ताह का राशिफल जो 8 मार्च से 14 मार्च का 2021 का है, और ऐसे ही आप जानते रहेंगे तरह तरह के हर सप्ताह अपने राशिफल भी और उससे संबंधित सलाह भी उपाय भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है आप सभी के लिए इस हफ्ते की जानकारी। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले।